आपका आज के वीडियो में। हर बार की तरह मैं आपको वेरिएंट वाइज वीडियो लेके आता हूँ। तो ये है ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये आपको सेम प्रोफाइल ऑफर करता है सामने की, जो टॉप वेरिएंट में आती है। तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्शन हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको DRL ऑफर हो जाती है, साथ ही आप ग्रिल देखेंगे तो ग्रिल टॉप और इसकी ग्रिल सेम है, क्रोम ग्रिल के साथ ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग आपको मिल जाती है। इसके अलावा स्किड प्लेट भी आपको सेम मिलती है टॉप की तरह ही। अब मैं टॉप का एक बार प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। तो भाई, ये है टॉप का प्रोफाइल। इसमें सामने देख पा रहे हैं, ये कैमरा और मिल जा रहा है आपको। इसके अलावा जो यहाँ पे वाई हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, ये आपकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाती है, साथ ही बाकी प्रोफाइल सेम होती है। अब मैं सिग्मा वेरिएंट की साइड प्रोफाइल पर चलता हूँ। तो भाई, ये है इसकी साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं, इसकी टायर हैं आपको 215 R17 साइज़ के मिल जाते हैं व्हील कैप के साथ। यहीं पे आप बात करते हैं सेकंड टॉप मॉडल की, तो उसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। अब हम साइड प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ORVM पे आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मैट ब्लैक फिनिशिंग आपको मिल रही है, पर अगर टॉप वेरियंट पर आप जाते हैं तो इसमें आपको क्रोम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं बैक प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बैक प्रोफाइल में यहाँ पे वाइपर आपको नहीं मिल रहा है, डिफॉगर आपको मिल जाता है, साउथ में 19 आपको मिल जा रहा है। इसके अलावा पीछे की प्रोफाइल सेम होती है टॉप की। टॉप लें या आप सिग्मा वेरिएंट लें, पीछे की प्रोफाइल में आपको कैमरा और मिल जाता है अगर आप टॉप वेरिएंट पर जाते हैं तो। स्किड प्लेट की बात करते हैं तो सेम स्किड प्लेट आपको ऑफर होती है। इसके अलावा बॉडी प्रोटेक्शन गार्ड की बात करते हैं तो ये आपको सभी वेरिएंट में मिल जाता है। ये यहाँ से फ्रंट से स्टार्ट होता है स्किड प्लेट से और ये पीछे तक जाता है। अब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो इसके अंदर की प्रोफाइल देखते हैं क्या मिलता है इसमें। तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें रिक्वेस्ट सेंसर है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो गाड़ी यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब ये ड्राइवर डोर है, ड्राइवर डोर पर आप देख पा रहे हैं चारों विंडो के कंट्रोल्स हैं, मिरर अंदर से एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल भी अंदर से फोल्डेबल हैं, चारों विंडो के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग आपको मिल जाती है। टॉप वेरिएंट पे आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे लेदर सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड देखिए, सेम डैशबोर्ड मिल जाता है, पर टॉप और सेकंड टॉप में आपको यहाँ पे लेदर सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आपको मिलती है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है म्यूजिक सिस्टम की जगह पे, स्पेस आपको मिल रहा है, इसमें आप म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे स्पेस दिया है, इसमें आप म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस AC के वेंट में है, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक आ जाता है अगर टॉप सेकंड टॉप पे आप जाते हैं तो। AC की बात करते हैं तो आपको ऑटो क्लाइमेट AC ऑफर होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं USB सॉकेट नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है यहाँ पे चार्ज करने के लिए फ़ोन। गियर लीवर की बात करते हैं तो गियर लीवर पे क्रोम नहीं है, जो कि आपको सेकंड टॉप वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में मिल जाता है। पुश बटन इसमें स्टार्ट आपको मिल जा रहा है, इसके साथ ही स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी हैं। तो स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल देख पा रहे हैं, ये आपका म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे MID के लिए ये आपका बार दिए हुए हैं, इनसे आप MID कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यार, बेस मॉडल में भी इन्होंने ना स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स दे दिए हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केबिन लाइट आपको मिल रही है। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर आता हूँ तो आपको हैंड रेस्ट यहाँ पर मिल जा रहा है, साथ ही हाइट एडजस्टेबल सीट भी इसमें आपको मिल जाती है। ये यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट है। तो ये इसकी सामने की प्रोफाइल कंप्लीट होती है। अब हम इसकी रियर प्रोफाइल पर चलते हैं। तो भाई, इसकी रियर प्रोफाइल है, ये बैक डोर है इसका, बैक डोर पे भी विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है बैक डोर हैंडल पे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं रियर AC वेंट इसमें मिल जा रहा है आपको। यहाँ पर आपको पीछे कप होल्डर के साथ साथ हैंडरेस्ट भी दिया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, एक सेकंड देख लेते हैं इसको भी हम कंप्लीट। ये देखिए, ये कप होल्डर के साथ आपको मिल जा रहा है।
इसके अलावा 60-40 स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है। तो यार बैक में तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ ही दे दिया है। इसके बेस मॉडल में भी आपको सब कुछ मिल जा रहा है। तो इसके अलावा हम सीट बेल्ट की बात करते हैं, तो सीट बेल्ट भी इसमें हाइट एडजस्टेबल हैं, यदि चाहें तो आप इसको सीट बेल्ट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे यहाँ पीछे के लिए भी सीट बेल्ट आपको मिल जा रहा है, पीछे 3 सीट बेल्ट हैं, ये बीच के बीच में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसके लिए है। यहाँ पे पार्सल ट्रे की बात करते हैं तो पार्सल ट्रे नहीं है, वो आप कंपनी से परचेस कर सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ भी केबिन लाइट आपको मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप अंदर के ओवरऑल इंटीरियर की बात करते हैं तो अगर हम देखा जाए तो सिर्फ आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा है, बाकी आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम आप इंस्टॉल करा सकते हैं। तो भाई मैंने कोशिश करी है कि जल्दी वीडियो फिनिश हो और आपको कम टाइम में ज़्यादा जानकारी मिल पाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, हो सके तो शेयर भी करेगा। थैंक यू सो मच।